हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इसका लेक्चर 12। इस लेक्चर में आप सीखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इस पर आधारित प्रॉब्लम्स। तो शुरुआत करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बात अगर हम सिर्फ रियल नंबर सिस्टम की करें, सिर्फ रियल नंबर सिस्टम की बात अगर करें तो 1 का क्यूब रूट हो जाता है 1, 8 का क्यूब रूट हो जाता है 2, 27 का क्यूब रूट हो जाता है 3। लेकिन ये सिर्फ रियल नंबर सिस्टम के लिए लागू है। रूल होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के सॉल्यूशन उतने ही होते हैं जितना उसका डिग्री है। तो क्यूब रूट है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। तो फिर एक ही रूट्स क्यों मिलता है? क्योंकि ये एक रूट रियल होता है और बाकी का 2 रूट इमेजिनरी होता है। एक्चुअली में क्यूब रूट का मतलब होता है 3 रूट। 1 का क्यूब रूट होगा 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आगे आप सीखेंगे। 8 का क्यूब रूट होगा 2, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। 27 का क्यूब रूट होगा 3, 3 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर। आइए इसको बारीकी से सीखते हैं। प्लीज़ अंत अंत तक वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिटेल से। तो पहले हम इसको बाय मेथड निकालना चाहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको क्या मिलने जा रहा है। यूनिटी मतलब होता है 1, यानी 1 का क्यूब रूट हमको फाइंड करना है, 1 का क्यूब रूट। तो मान लेते हैं कि 1 का क्यूब रूट इज इक्वल्स टू है एक्स। अब दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्यूब जब कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 1 का पावर 1 बाई 3 का पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 3। अब ये पावर 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स का पावर ए का पावर बी रहता है, तो इसका मतलब होता है एक्स का पावर ए इंटू बी। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो यहाँ आप फार्मूला लगा दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और इनका फार्मूला क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए के जगह पर एक्स है और बी के जगह पर 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 अब प्लस 1 यानी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई 0 होगा। यदि एक्स माइनस 1 बराबर 0 हुआ तो एक्स बराबर 1 हो गया, और यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ए का वैल्यू है 1, बी का भी वैल्यू है 1 और सी का भी वैल्यू है 1। तो ऐसे स्थिति में हम पहले निकाल लेंगे डी। डी इज इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4 इंटू 1 यानी 1 माइनस 4 यानी माइनस 3। तो आप देख रहे हैं डी इज लेस देन 0, इसका मतलब रूट्स हो जाएगा इमेजिनरी। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाए तो रूट्स इमेजिनरी होता है। तो रूट्स आपका हो गया इमेजिनरी। तो एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी 1। तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 को आप लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी एक्स इज इक्वल्स टू होगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपको एक्स का 2 वैल्यू मिल गया। एक्स का एक वैल्यू हो गया माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2 और एक वैल्यू हो गया माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2। तो आपने देखा कि एक्स का 3 वैल्यू मिला, 2 वैल्यू तो ये क्वाड्रेटिक से मिला और एक वैल्यू आपको मिला था एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू आपको, यानी यूनिटी के 3 क्यूब रूट हो गए। तो क्या लिख देंगे इसको? फाइनली लिखेंगे कि देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड दे आर, इनका वैल्यू क्या होगा
एंड दे आर, एक वैल्यू हो जाएगा वन, दूसरा वैल्यू होगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, और तीसरा वैल्यू होगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, ये वन का क्यूब रूट होगा। आगे आपको बताएंगे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से और इसको करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, तो यूनिटी का क्यूब रूट होगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अभी आपने सीखा कि यूनिटी के क्यूब रूट को हम कैसे फाइंड करते हैं। यूनिटी का क्यूब रूट मतलब तीन हो गया, क्यूब रूट मतलब तीन रूट होंगे ही, एक ही रूट रियल होता है जो कॉमन है पॉपुलर है जिसको हम सब लोग जानते हैं, बाकी के दो रूट इमेजिनरी हो जाते हैं। चलिए इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे, इसके और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग बना लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी आपने देखा कि यूनिटी के तीन क्यूब रूट होते हैं जिसमें से मात्र एक रियल है और बाकी दो इमेजिनरी है। तो आप लिख सकते हैं इस बात को कि देर आर थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आउट ऑफ दीज थ्री ओनली वन इज रियल एंड द रिमेनिंग टू आर इमेजिनरी। इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। जो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होता है एंड इज डिनोटेड बाई ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होता है, दोनों एक दूसरे का, यानी माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू को स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू का स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा आपको माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। ये बड़ा यूनिक कैरेक्टर है कि दो चीज़ एक दूसरे का स्क्वायर हो, रियल में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, इमेजिनरी में ये पॉसिबल है कोई दो चीज़ एक दूसरे का स्क्वायर हो। जैसे दो का स्क्वायर है चार, तो चार का स्क्वायर दो कैसे हो सकता है, तो रियल में ये पॉसिबल नहीं है। तो इमेजिनरी रूट का ये प्रॉपर्टीज हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने देखा पहला प्रॉपर्टीज कि जो यूनिटी के इमेजिनरी क्यूब रूट हैं वो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं जिन्हें क्रमशः ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू है बराबर ओमेगा है, तो इनका स्क्वायर क्या होगा। तो इनका स्क्वायर यानी हम निकालते हैं ओमेगा का स्क्वायर, यानी माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू का होल स्क्वायर। तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस का स्क्वायर बाहर निकलेगा पॉजिटिव में, तो हो जाएगा वन प्लस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर। देखिए ए के जगह पर था वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस तो हम कॉमन ले लिए थे, तो ये ए प्लस बी हो गया, तो बी हो गया आपका रूट थ्री आई, तो रूट थ्री आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री आई स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू इंटू ए मतलब वन, बी मतलब रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई फोर। अब आई के बारे में जानते हैं कि ये आयोटा है, इसका खोज यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने किया था, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन। तो आप इसको लिख सकते हैं वन माइनस थ्री प्लस टू रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई फोर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई फोर। अब टू से कॉमन लेकर करके दोनों को ख़त्म कर देते हैं तो ये मिल जाएगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू। ये दूसरा रूट आ गया, देखिए माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू। तो अब आगे के एक लेक्चर में हम हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अब आप इसको लर्न कर लीजिए कि ओमेगा इज इक्वल्स टू होगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू। यानी अब जो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हुआ वो क्या हो गया भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा छोटू,
वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यूनिटी के तीन क्यूब रूट हो गए, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जिसमें वन रियल है, बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो इमेजिनरी क्वांटिटी है। चलिए दूसरे प्रॉपर्टीज में चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू को आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में, वन अपॉन माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा टू अपॉन माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, रेशनलाइज कर दीजिए, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा आपका टू इंटू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन यानी प्लस थ्री और वन यानी फोर, तो टू टू जा फोर, यानी माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अब बाई टू। देखिए रेसिप्रोकल है एक दूसरे का कि नहीं, यानी इसको हम सोल्व किए तो फिर से यही आ गया, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तीसरी बात है, तीसरी प्रॉपर्टीज है कि द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिसको आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं, द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कंजुगेट भी होता है, कंजुगेट ऑफ ईच अदर, यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, यानी आप इसको लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री आई बाई टू, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये बारहवां लेक्चर है, इसका मतलब एलेवेंथ लेक्चर और पहले हो चुका है, तो एक एक लेक्चर को आप देखिए और कॉपी में लिखिए, आपको लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। तो वेन एवर वी हैव टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर देन वी राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, यानी ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आई, यानी माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, इसी को तो कहते थे ओमेगा स्क्वायर। तो आपने यहाँ दो प्रॉपर्टीज देखा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होता है और एक दूसरे का कंजुगेट भी होता है। तो आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ा, पहला प्रॉपर्टीज पढ़ा कि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे का स्क्वायर होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और एक दूसरे का कंजुगेट होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज को हमेशा ध्यान देना है। कौन कौन सा हो गया भाई, एक दूसरे का स्क्वायर होगा, एक दूसरे का कंजुगेट होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। आइए चौथे प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज है द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो, इज जीरो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर पूरा सवाल बनेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यूनिटी के तीनों क्यूब रूट कौन कौन हो गए, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इनको आपस में जब आप ऐड कीजिएगा तो वैल्यू मिल जाएगा जीरो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो। एक्सप्लानेशन देखिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या था, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या था, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू। अगर आप यहाँ पर टू एलसीएम ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, रूट थ्री आई से रूट थ्री आई कटेगा, और टू माइनस वन यानी जीरो बाई टू, तो क्या मिल जाएगा जीरो। तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो। अब यहाँ से जो है आपको दो और तीन और फार्मूला मिल जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो, तो आप लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, आप ये भी लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस वन। इस पर प्रॉब्लम हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पूरा ये कंसेप्ट वाला वीडियो हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पूरा थ्योरी। अभी एक और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए अगले प्रॉपर्टीज़ की ओर हम लोग चलते हैं।